से बातचीत करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अगली जो गेस्ट है, हमारी जो अगली मेहमान है, वो है प्रतापगढ़ से जिला पंचायत अध्यक्ष माधुरी जी। माधुरी जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा के इसी कॉन्क्लेव में। माधुरी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं प्रतापगढ़ में, क्या कर रही हैं आप और क्या करने वाली हैं आगे? जी, निर्माण कार्य भी हमारा, जो भी पेंडिंग कर रहे हैं उनको पूरा करना है जी। और कौन से काम पेंडिंग है हमारे दर्शकों को बताएं, प्रतापगढ़ में जो पेंडिंग चल रहे हैं और आपको लगता है कि सबसे पहले पूरे हो जाने चाहिए? जी जी, हमने जो पेंडिंग कर रहे हैं उनको, उनका कार्य, निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे कि नाली निर्माण है, लेखन कार्य है, सीसी कार्य है, खड़ंजा है। अभी हमने नाली निर्माण लगभग 20 मीटर निर्माण करवाया है, लेखन कार्य लगभग 86 मीटर, सीसी कार्य लगभग 15 मीटर और खड़ंजा लगभग 8 मीटर का निर्माण करवाया है। और हमारा मेन एजेंडा यही है कि गाँव को कनेक्टिविटी से जोड़ना है और हम अपने गाँव में, अपने ज़िले में युवाओं के लिए बनाने का कार्य करेंगे। जहाँ भी पक्की सड़कें नहीं है वहाँ पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, स्वच्छता और जल निकास की बैठक की जाएगी। अभी जो हमारे बोर्ड की फर्स्ट बैठक होगी उसमें सारी समस्याएं सुनी जाएंगी सभी जिला पंचायत सदस्यों से। ठीक है, आप कह रही है कि जिला पंचायत सदस्यों की समस्याएं आप सुनेंगी और उनकी समस्याओं को सुनकर तब तय करेंगी कि आपको आगे क्या करना है। हमारे बोर्ड की फर्स्ट बैठक होगी जी। जी जी, और विकास तो वैसे भी सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। अब बिल्कुल ठीक बात है, विकास बिल्कुल सतत प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए माधुरी जी, और बताने के लिए कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएंगी, अपनी सामर्थ्य में जो है वो करेंगी और जिला पंचायत सदस्यों से सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी चुनौतियां जानकर उस पर फोकस किया जाएगा। ये कहना था प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष माधुरी जी का। और फिलहाल तो वक्त ब्रेक का है, लेकिन जब लौटेंगे तो फिर उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन देवी से हम बात करेंगे, उनकी चुनौतियां जानेंगे, उनकी उपलब्धियां